अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम केक की एकदम सिंपल सी रेसिपी देखते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इसमें कढ़ाई में, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी रेसिपी तो नहीं है, कुछ क्लिप्स हैं और कुछ फ़ोटोज़ हैं और थोड़े थोड़े वीडियोज़ हैं, उन सबको मिलाकर मैंने आज का एक व्लॉग बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं दोबारा बनाकर आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें इंग्रेडिएंट्स की तादाद वगैरह भी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी और रेसिपी जानना है तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल पे कमेंट करें। तो चलिए आइए देखते हैं रवा और अंडे से बना हुआ ये सिंपल सा केक, जो कि सिर्फ दही यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ गया है। तो आइए चलें देखते हैं, जो कि मैंने सादा कढ़ाई में ये केक बनाई हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे ज़रूर ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये केक कैसा लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कढ़ाई में इतना अच्छा बन सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बना। कढ़ाई में लाइट जाने की वजह से मैंने आज कढ़ाई यूज़ की हूँ फर्स्ट टाइम, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको कढ़ाई में इस तरह के और केक की रेसिपी बनाकर ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको और कोई भी रेसिपी दूसरी भी जानना है तो ज़रूर मेरे चैनल पे कोई कमेंट करें कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, मैं आपको ज़रूर ज़रूर वो रेसिपी बनाकर बताऊंगी। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की हूँ इस तरह से घर की बेकरी में, फर्स्ट फर्स्ट। इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह से केक नहीं बनाया है। ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने नमक और रिंग रखा है और उसके ऊपर मैंने केक बनाया है। पहले जो आपने फोटोज देखे वो, और ये देखिए ये कितना अच्छा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। ये कढ़ाई में मैंने बनाया है, अभी ये देखिए निकाला है, और बहुत ही अच्छा स्पंजी यानी ऊन से भी अच्छा तैयार हुआ है। मुझे जब मैं लोगों का देखती थी तो मुझे यकीन नहीं आता था कि इस तरह से बनता होगा, लेकिन सच में बहुत ही अच्छे से बनता है इसमें कढ़ाई में। मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर, मेरा और एक वाला पीस इसमें बन रहा है। बहुत ही अच्छे से तैयार होता है, ये नमक मैंने डाला है और ये वाला पीस भी इंशाल्लाह तैयार होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैंने सुबह बैटर बनाई थी और उसके बाद अचानक लाइट चली गई, और बैटर फिर ये हो जाता है ना, उसमें जो ये रखा हुआ है अपना बेकिंग पाउडर डाला हुआ है तो वो खराब हो जाता है, इसलिए मैं आधा घंटा मैंने वेट किया, उसके बाद भी लाइट नहीं आई तो मैंने सोचा चलो इस तरह से ट्राई करती हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे थे आज तक,
लेकिन मैंने इस तरह से कभी नहीं बनाया था। बहुत सालों पहले मेरी दीदी जो है वो बनाती थी, तवे के ऊपर रेत रख के उसके ऊपर दम देती थी इस तरह से केक को, और उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता था। मैंने आज तक इतने केक बनाए लेकिन मेरा वैसा टेस्ट मुझे आज तक नहीं मिला, इसलिए मैंने आज ट्राई किया इसमें, और एक्चुअली में सच में बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत ही अच्छा स्पंज आया है। मैंने आपको अभी उसके केक के टुकड़े भी बताए हैं ना, जो पहला वाला मैंने निकाली थी, और 1/2 किलो मैदा और 1/2 किलो रवा, उसमें मैंने ये एक टायर केक और वो दो गोल वाले केक दो बने हैं, यानी बहुत ही अच्छा ये बैटर तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा फ्लफी बैटर तैयार हुआ था। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी एक दिन पूरी की पूरी शेयर करूंगी, किस किस तरह से बैटर बनाया, किस तरह से केक बनाया। मैं अमूमन अभी तक केक की रेसिपी मैंने डाली नहीं है, क्योंकि मैं इतना मुझे बेकिंग का उतना ज़्यादा शौक नहीं है। बच्चों को ऐसा लगता है कि चाहिए तो मैं तब फौरन बना लेती हूँ, दो चार टाइप के आते हैं मुझे, लेकिन मैंने उतने कभी उसके ऊपर मेहनत नहीं की है, दिल से नहीं उतना मैं बनाती, बस ज़रूरत के हिसाब से बना लेती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी अपने ये सीधे साधे रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक जो बिस्किट है हमारे नानीमा बनाते थे उसको अंडे की टिकिया ऐसे बोलते थे वो, लेकिन वो बिस्किट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आपने मेरा ये तो देखे ही है रोड जो हमने मुहर्रम में बनाए थे, तो इस तरह के रेसिपीज जो हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, जैसे कि शाबान की ईद के लिए हम लोग पूरियाँ बनाते हैं मेवे की पूरियाँ, वो इस तरह के ट्रेडिशनल रेसिपीज मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको अगर कोई रेसिपी जानना है तो मेरे चैनल पर कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को अपने दोस्तों फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। इस तरह से हम इसको पीसेस में कट करके रख देंगे। बच्चों को नाश्ते के लिए मैंने बनाया है, टिफिन में डाल के रख देंगे। लाइट अभी भी नहीं आई है, मेरा तीसरा केक भी तैयार होगा तकरीबन, और लाइट का पता नहीं है। चलो आज ये तरीका भी ट्राई कर लिया मैंने। ये देखिए कितना अच्छा जूसी सॉफ्ट और स्पंज केक तैयार हुआ है रवे का। इन्हें अब जो मैंने बहुत सारे ऑरेंज केक वगैरह देखी थी, चॉकलेट केक, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस कढ़ाई में बना सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये थर्ड वाला केक इस तरह का हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। ये देखिए इसकी रेसिपी और इनग्रीडियंट जानने के लिए इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें तो मैं तफसील से भी इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।